ये देख 160 है ना, ये 152 बता रहा है। तो भाई जी कितनी हवा निकालते हो, सिस्टम क्या होता है इसका? ये सही देखो हमारी 4x4 होती है ना मोस्टली, ये देखो ये सारे मेरी बाइक कंपनी वाले हैं। मालूम पड़ा इसमें हमारा पीने वाला पानी है भाई, पानी की 2-3 बोतलें आगे रख लेते। सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए आ। आप लोगों का भरपूर सारा प्यार जो मिल रहा है उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। अभी आज हमारा टूर होगा अबू धाबी मुसफा वाली साइड में। इंस्टाग्राम के ऊपर भी स्टोरी मैंने डाल दी, दो चाय फाड़ लिया अपने पीने वास्ते, देसी चाय दे वो कॉर्नर वाला रेस्टोरेंट का कड़कड़ी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, कोशिश की है कि हर एक बंदे को घर घर जाके मिलने की कोशिश की है। काफी टाइम हमने स्पेंड किया है बंदों के साथ में, बड़ा बढ़िया लगता है यार। 171 किलोमीटर यहाँ से है और 1 घंटा 54 मिनट लगेंगे, क्योंकि हाईवे जब हम दुबई से निकल जाते हैं हाईवे बहुत ज़्यादा स्पीड वाला हो जाता है, तो यहाँ से सिर्फ 1.5-2 घंटे लगेंगे। यहाँ से अबू धाबी पहुँच जाएंगे, अबू धाबी मुसाफा में मेरी कंपनी थी। ओ माय गॉड, स्पेशल चाय। एक और चीज याद आ गई, आप लोगों ने बोलना कि यार यहाँ पे टिम हॉर्टन है, टिम हॉर्टन दिखाया नहीं। सच जान के मानो यार, मैं इस चाय की वजह से मैं टिम हॉर्टन के ऊपर गया ही नहीं, इस चाय की वजह से। नहीं भाई, कितने का है? कितने का है ये कैमरा? कितने का है? ओए आ वे अरबी जाऊं लाबे को, ये क्या लिखा हुआ? येला हबीबी लिखा हुआ है। अबू धाबी का मैप डाला है, अभी हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी डाली, उसमें अपना नंबर डाला है, देखते हैं कितने टाइम में कितनी कॉल्स आती हैं। यानी ठीक है, मैंने नंबर डाल दिया उसमें अपना। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नंबर मिल गया? नंबर तो मिल गया, इंस्टा पे तुरंत मिल जाता है। हाँ यानी अपने को कॉलिंग तंग करेंगे, नंबर डाल दिया हमने। जिस दिन रोला मल आएंगे प्लीज 1 घंटा पहले स्टोरी डालने का प्लीज। हेलो हेलो सचिकाल जी, अरे नंबर तो डाल दिया है, अभी परेशान हो जाएंगे हम लोग, अपने भाई लोग अभी कॉल है बहुत करेंगे। मैं 10वीं 12वीं कॉल हो गई। गर्मी की हालत ही था वो, बढ़िया ही चढ़ दी। यहाँ पे किसी को लाइटें मारते ना पीछे से बंदा आ गया, तो उसका मतलब होता कि भाई रास्ता दे, साइड पे हट जा। और कनाडा में अगर किसी को लाइटें मार दी तो वहाँ पे होता कि भाई लाइन में आ जा, लाइन क्लियर है। ये दो उल्टे फंडे हैं पूरे दोनों मुल्कों के। कहाँ से बोल रहे हो भाई? करण भाई। हाँ जी करण भाई, बोल रहे हैं भाई। पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। आपको तो कॉल बहुत महंगी पड़ेगी भाई उधर से। भाई आपसे बहुत दोस्ती। यार नहीं, इतना पैसा खर्ची करो कोई चक्कर नहीं है, पाकिस्तान आएंगे तो आपसे भी मिलेंगे भाई 140 का हाईवे हो गया अबू धाबी वाली साइड में, लेकिन उन्होंने कैमरा लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर की 140 के ऊपर गए फ्लैश लगेगी। देखा नहीं अपने भाई लोगों का प्यार, अभी आधा घंटा नहीं हुआ स्टोरी डाले हुए 20 फोन आ गए। करण भाई। हाँ जी भाई, आज जाके पकड़े गए। आज हम अपने आप ही पकड़वाने का फैसला किया था, इसलिए टेलीफोन नंबर ही डाल दिया। कसम से आपने जो मेरे साथ ज्यादती की है ना, वो ऊपर वाला पूछेगा। ये भाई ये यानी शेलियत रोड है, इसके ऊपर अगर तवेला से आगे ट्रक लेके जाने ना तो तेरे को तसरिया चाहिए। तसरिया पता क्या होता है? परमिशन, किसी भी रोड की परमिशन चाहिए तो उसको तसरिया बोलते हैं, जैसे हमारे उधर परमिट बोलते हैं ना। अभी देख तेरे को ट्रक दिख रहे हो ना, ये देख। हाँ जी, अभी तवेला से आगे अबू धाबी की तरफ आ गया। एक चीज नोट की थी, सिंगल डिफरेंशियल है, 3 कॉइल है, पीछे ट्राई एक्सेट्राला है। वजन वजन यहाँ पे भी बहुत होता है, कम से कम 50 टन से ऊपर वजन होगा इसके ऊपर, 55 टन 60 टन वजन होगा इसके। अरे गोल बिल्डिंग आए है, गोल बिल्डिंग चौड़ी कितनी कम है लेकिन उस तरफ से चौड़ी है। हाँ जी, भाई सारे ट्रक एक लाइन क्यों जा रहे हैं? ये अबू धाबी आगे बॉस, अबू धाबी में नो ट्रक ओवरटेक, दुबई में कर सकते हो। जैसे अबू धाबी पूरी स्टेट है ना, पूरी स्टेट में एक ही लाइन में चलना है, ओवरटेक नहीं। तो अगर गलती, नहीं थे? अगर गलती से पकड़ा भी गया, जब मैं यहाँ पे था तब 10,000 मुखालफा था, 3,000 गाड़ी बंद कर देते थे, 13,000 दिराम का मुखालफा था, 13,000 दिराम लोकल के टिकट, लाइसेंस कैंसिल है,
तीन महीनों के लिए अगर ओवरटेक करता पुलिस ने पकड़ लिया पूरे अबू धाबी में, ये बड़ा गंदा कानून है। लेकिन कानून तो कानून है, फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब पड़ती है जब आगे वाला एक बंदा 60 पे जा रहा होता है और मैक्सिमम 80 की स्पीड है पूरे पूरे दुबई में ट्रकों के लिए। इसने धोखा किया मेरे साथ में आज। मैं देख रहा हूँ मेरे बाल क्यों इतने सूखे हो गए। तानी ने एक बार नहीं बताया कि भाई आपकी जल नहीं लगी हुई। अगर 6 साल किसी कंपनी में लगाए जगह में तो मेरे को याद रहता है कि नहीं रहता। जब भी हम मुसफा में घुसे ना मैप बंद कर दिया। ये आई कार्ड वाला राउंड बोर्ड है 40 नंबर, मुसफा 40 नंबर में मेरी कंपनी है। पता लग गया तुम कितने? हाँ हाँ, ये जो खाली जगह पड़ी हुई ना फुटपाथ चढ़ा के हम गाड़ियाँ खड़ी करते यहाँ यहाँ तक। ओके, लेकिन अभी माहौल चेंज हो गया। अभी अब अभी पुलिस ने पार्किंग सारी बंद कर दी। नहीं तो पूरे 40 नंबर में अगर कोई बंदा रहता तो मालूम होगा हमारी ट्रांसपोर्ट की कंपनी की जो गाड़ियां थी ना वो भाई सारा भरा हुआ होता, सारा भरा हुआ। ये हमारी कंपनी का बंदा है भाई और पीछे हमारी कंपनी है। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा भाई क्योंकि यहाँ पे मसले हो जाते हैं वीडियो बनाने के। इनकी कंपनी है ये। इनके पास में यहाँ का पासपोर्ट है, ग्रीन कार्ड है साथे। इसको 10-12 साल हो गए अभी इसका पासपोर्ट चेंज हो गया। वो आए थे एक दिन खुद, इसको बोले भाई तू बहुत टाइम से इधर काम कर रहा है तेरा पासपोर्ट चेंज कर देंगे। अभी इसने इसका पासपोर्ट ले लिया। कैमरन चला उतार देंगे, उससे बातें कर लेगा जो मेरे से करेगा। ये हमारी कंपनी का कामरान है, ये हमारे साथ में पहले रहता था। कैमरन तेरा इलाका कौन सा इंडिया में? यूपी। यूपी से बंदा बहुत कलाकार है ये। कलाकार है। ये हमारी कंपनी के दोनों खास बंदे हैं। इसके पास में भी इधर का पासपोर्ट है, इसके पास में भी पासपोर्ट है। लेकिन काम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ ही काम करेंगे। भाई गौर से देखो, 160 की कार की स्पीड है और ट्रक की वही रहेगी 80। ओवरटेक का मुकाबला कितना ट्रक का? 3 महीने का जेल है और 10,000 ग्राम का मुकाबला, $4,000 हो गया। हनी बोलता है गाड़ी की पावर नहीं है, तो अभी गाड़ी की स्पीड टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 160 वाला रोड आ गया। क्या होगी मैं आता हूँ 165। ये इसको क्या हो गया? नहीं फ्लैश भाई तेरी के 160 तक नहीं भाई थी। 160 तक नहीं, ये देख 160 है ना, ये 152 बता रहा है। हनी 170। ऐसे कैमरे देखे आपने कभी कनाडा में? ये रिंकू बोल रहा है कि ये गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करके बता देगा गाड़ी पास है या नहीं पास है। भाई केनवर्थ का ट्रक है और इसमें डोजर का इंजन है, टायर देखो इसके भाई। ओए होए 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 होए, अरे रिंकू की मूव कर देते, की लेके आंदे होते। ये जेड़ा रिग नहीं है जेड़ा ऑयल फील्ड का काम करदे, जेड़ा तेल कढ़दे जेड़ा, वो बड़े-बड़े रिग जो होते बारी वाले। अच्छा रंबल में ये चलता होगा ना? रंबल च लेके एहो जांदा है। वो इंजन देखो भाई, इसके टायर देखो, इसमें तो फिर डीजल के टैंक भी बहुत बड़े लगे होंगे। इसमें कम से कम 1500 लीटर। ये भाई तरीफ मिनी पैक से नहीं नहीं मुसफा से 100 किलोमीटर मुसफा से। ये सारी गाड़ियों की पार्किंग है देखो बाहर, यहाँ पे ट्रक आके खड़े होते हैं, बंदे खाना वाना खाते हैं यहाँ पे रुक के। खरबूज नहीं मिलते वहाँ पे, मिलते हैं वो फ्रिज में लगे होते हैं, उनकी डेट बड़ी लंबी होती है। यहाँ पे 3 दिन के लिए होती ना, हमें लंबी डेट होती है। ये भाई पुरानी ज्यादा ताजा कर रहे हैं, देखो कितनी शांति है इन होटलों के ऊपर। ट्रकों वाले यहाँ भी आके खाना खाते हैं तारीफ में, देखो कितनी शांति है, कितना सिंपल होटल है। रिंकू बैठा हुआ सामने, ये पठानी रोटी गरम गरम, ये सलाद और ये करेला है। करेला हम तो पागल हो गए भाई वहाँ पे टिम ऑर्डर के पीछे, अभी जब से आए हुए हैं तब से टिम ऑर्डर के ऊपर गए ही नहीं। ये लेनी, ये बच्चों के लिए ड्रिंक है यहाँ पे, कर रहा हूँ ये विटामिन सी होती है जापान की, ये मेड इन जापान। ये देखो भाई, लेकिन जब पिएगा ना थोड़ा धीरे 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 धीरे, ज़्यादा एक बार पी तो बाद में भागेगा तुम बाहर। पकड़ के रख मेरे को, पकड़ के रख। ये एनर्जी ड्रिंक होती है यार, मजाक कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक है। जैसे रेड बुल होती है ना ऐसे यहाँ पे ये बड़ी फेमस है। इसको सुस्ती आ रही तो मैंने बोला ये पी लेते, कहना ना है और कहना भी। मैंने तो पी है पहले, तेरे को बता रहे भाई। वीडियो की एडिटिंग करके अभी यहाँ से निकलेंगे, हमारा ऐसा ही है, कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी खाना खा के वहीं बैठ जाते हैं 2-2 घंटे। मेरे ख्याल में 5-6 साल के बाद में जब यहाँ पे ट्रैकिंग करते थे ना तब मैंने यहाँ से खाना खाया था तारीफ में आके, अभी फिर वापस यहाँ पे आके खाना खाया। तारीफ
से वापस निकले हैं भाई, अभी यहाँ पे रुक के एक स्टोरी डालेंगे ताकि बंदों को मालूम पड़ जाए कि हम सबीर मार्केट में कब आ रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा एक मिलना गिलना हो जाएगा बंदों से, और दूसरी बात है कि सिर्फ 40 दिराम लगे हैं भाई खाना खाने में, 3 सब्जियाँ, चिकन भी खाया, रोटियाँ भी खाई, सब कुछ खाया ना, 40 लगे। जहाँ पे हमको जिंदगी में कभी खाना स्वाद मिला था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये होटलों में ये होटलों का मैं फैन बहुत हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इसलिए खाना खाना चाहता था बस। यहाँ पे है कुछ नहीं, पूरी रंबली है, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं। जब रात अंधेरा हो जाएगा कुछ नहीं होगा इधर, सिर्फ रोड के ऊपर ट्रक चलते हैं बस। ओल्ड मेमोरी चल रही है, ओल्ड मेमोरी, ओल्ड बंदों के साथ में ओल्ड मेमोरी हो रही है। ये भाई बहुत ऊंचा है, एस्ट्रा ब्रांड, एस्ट्रा ब्रांड का ट्रक है, और ऊंचाई देखो इसकी होगी भाई 4 फुट, बहुत ऊंचा है भाई। ये इसके टायर देखो, हम इसको सुपर सिंगल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको की बोलते हैं भाई, इन टायरों को रंबल वाले टायर है, रंबल वाले हैं, सैंड में चलते हैं ना, वो होते हैं ना, डेजर्ट वाला, डेजर्ट सफारी नहीं है ये पाजी जो है ना, इनका काम क्या है, ये रोड पे चलते हैं लेकिन रोड के साथ साथ में रंबल में भी लेके जाते हैं इसको, तो इसका हिसाब किताब होता है। जब आप सीधी गाड़ी लेके जाते हो तो रंबल में चलती नहीं, ये दस जाती है नीचे। तो पाजी कितनी हवा निकालते हो, सिस्टम क्या होता है इसका? पहले वीवी कर लेती होती है, वीवी फिर पहला रंबल दा हिसाब है, पक्के के ऊपर खड़े होकर सारी हवा निकाल लेनी। अच्छा फिर पहले वीवी रखते हैं भाई, सारी निकाल देते हैं, फिर कितनी स्पीड में घुसते हैं अंदर रंबल में? वो बस 40-50 तक जाते रंबल में, जोर तो बहुत लगता होगा छोटे गियरों में। कैबिन भी आपको अंदर से दिखा देंगे अगर पाजी मानेंगे तो क्योंकि ये ब्रांड ना मैं बहुत कम देखता हूँ रोड के ऊपर ना, वॉल्वो होते हैं, मर्सिडीज हैं, ये होनी आई हैं, थोड़ा चलो बहुत ब्रांड है, न्यू नवीन बड़ी आई हैं। रंबल का क्या हिसाब होता है, जब ज्यादा सॉफ्ट है तो फिर ज्यादा हवा निकालनी पड़ती है? बस वी भी ठीक है, वी भी रख के सारे निकालनी पड़ती है। तो भैया 6x6 होगी? हाँ जी हाँ जी, ये भाई 6x6 है, हमारी 4x4 होती है ना मोस्टली। ये देखो इसके नीचे इसके आगे भी डिफरेंशियल और शेवल लगी हुई है भाई, वहाँ पे इसको डिफरेंशियल बोलते हैं, यहाँ पे इसको हिस्सा बोलते हैं। दो स्विच होंगे ना फिर 4x4 का, 6x6 का, अलग अलग, दोनों अलग अलग ना, दोनों अलग अलग। अच्छा ये पाइप लगा हुआ है, इससे आप हवा भरते हो इसमें? हवा भरती है। तो कितना टाइम लगता है फिर हवा निकालने में, भरने में सारे टायरों में? लेकिन भरने के लिए टाइम घंटा चाहिए, फिर उसके पैसे अलग से होते हैं? जो ऑयल फील्ड में बंदे काम करते हैं सारे बंदों की वर्दी होती है ऐसी, इसको डांगनी बोलते हैं दुबई की भाषा में, है ना, वहाँ हम उसको कवर ऑल बोलते हैं कि सारा कवर ऑल डाल के जाना। भाई ऐसी कंपनियों में चलने का कोई एक्स्ट्रा फायदा, कोई सैलरी अच्छी होती है या नॉर्मल हिसाब है? वही सेम होगी गेम यार, 4000 के इर्द गिर्द घूमता है बहुत ज्यादा, कोई बढ़िया कंपनी तो 5000 बना रहे हैं, लेकिन नहीं बाकी सारे बंदे वही 4000 3500 4000 4500 किसी का 200 कम है, किसी का बस इतने की कम। तो वीजा वही 2 साल के बाद में 3 साल के बाद में रिन्यू होता रहता है। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे एक और डिफरेंट चीज होती है कनाडा से, छुट्टी का क्या हिसाब होता है भाजी, साल के बाद में या 2 साल के बाद? 10 साल के बाद या 40 दिन? 40 दिन की तो टिकट देते हैं जाने आने की? दो साल बाद। 2 साल के बाद में अगर छुट्टी जाओगे ना तो आपकी कंपनी आपको टिकट का पैसा देती है, आने का भी जाने का भी। ये बढ़िया चीज होती है, हमारे कनाडा में बोलते हैं जाओ जाना है पैसा जेब से लगाओ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है हमारी फैमिली साथ में होती है, हम लोग आते ही नहीं है 4-4 साल 5-5 साल, क्योंकि वापस कोई रह ही नहीं जाता वहाँ पे। एक चीज है भाई, पूछे बहुत है यहाँ के ट्रक, हमारे ट्रक 1.5-2 फुट छोटे होते हैं इससे, वहाँ पे भी पजी इतनी स्नो होती है फिर भी ऊपर नहीं होते ट्रक को, नीचे वाले ट्रक है सारे। तो ये है अंदर से ट्रक एस्ट्रा का, जो ज्यादा गड्डी फंस गई है फिर इन्हें लाना, अगर ज्यादा फंस गई फिर ये वाला, बाकी एक दो। अच्छा ऐसे लग जाते हैं अगर ज्यादा फंस गई, अगर फिर भी ना निकली फिर क्या करते, बुलाते किसी को? नहीं नहीं नहीं, निकल जाती है। बहुत जोर पड़ा। कितना टाइम हो गया तनु? मैंने भी 8 साल हो गए। 8 साल हो गए भाई, फिर तो निकलेगी फिर तो निकलेगी, क्योंकि कार्ड कूड सीएनए पास बंदे इनके कार्ड बने होते हैं, अंदर फौजी भाई होते हैं गेट के ऊपर, फौजियों का सारा सिस्टम होता है, इनको प्लांट बोलते हैं, यहाँ पे यहाँ ऑयल का रिग लगा हुआ है, इनकी एंट्री होती है, हम जैसे बंदे जाएंगे भाई गेट से आगे नहीं जाने देते हो, और उनके पास में अथॉरिटी होती है ना, वो वहाँ से बंदा कैंसिल करके एयरपोर्ट पे भी छोड़ आते हैं अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है, और मोबाइल वाले कैमरे भी नहीं अंदर जा, मोबाइल कैमरे वाला अंदर नहीं जा सकता, चाहे आप कितने भी बड़े बंदे हो भाई बाहर रख के जाना।
भाजी दिखाए ये देखो यार ये नोकिया है भाजी के पास में अभी डाउन टू अर्थ बंदे होते हैं देखो दुबई वाले भाजी का जो पिंड है ना वो मेरे साथ में ही अमृतसर के पास में मैथे के पास में तो डेफिनेटली भाजी जब आपकी वीडियो आएगी ना कोई एक आध बंदा तो आपको फोन करेगा कि वो बंदा आया था भाजी आपसे मिलके गया। ये चीज बताइए यार ये भाजी की फोटो तो चलो इसमें ब्लर हो गई ये इसके ऊपर ये वाली डब्बी है ना इसके ऊपर रखते हैं फिर स्टार्ट होती है भाजी ये भाई गोरों के सिस्टम होते हैं महंगे लोड होते हैं इनके होता है एक आध पैप ही है लेकिन होता महंगा है जैसे वो भाई के भी देखो दो ही पैप है छोटे छोटे ऐसा ही पाजी के पास में भी दो छोटे छोटे पैप लोड किए हुए हैं बड़ा बढ़िया लगा पाजी मिलके ये ना एक पेपर है इसके दूसरी तरफ ना पाजी की इन्फॉर्मेशन है अगर आप जा रहे हो रिक के अंदर तो कंपनी को परमिशन लेनी पड़ती है इसको तसरिया बोलते हैं यहाँ की भाषा में अगर पाजी के पास में होगा तो गेट से छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़ेंगे तो वो उनकी स्टैंप होती है स्टैंप लगती है फिर ही आपको अंदर छोड़ेंगे बड़ा कानून होता है वहाँ पे कानून बहुत सख्त है तो कोई लापरवाही चलती नहीं है वहाँ पे पाजी तो चलो बहुत पुराने मैं कभी नहीं गया मैं रवेश वाले प्लांट में जाता रहा पहले फ्लैट डक लेके यूरिया खाद का काम मैंने बहुत किया हाँ लेकिन हमारे पास पहले ऐसा काम नहीं था अभी हमारे बंदे संभाल रहे हैं ऐसे वाला काम ये वाले ये साइज देखो कितना वो डाटा आ रहा पर ये भी एक मेहनत होती है यार सारी हवा निकाल के सारी हवा भर के हाँ तू भी मेरे जितना ही है नहीं कुछ भी अभी ये डने ही बोलते हैं इसको डने ही लोड किया हूँ लकड़ी खाली भाजी कितने गियर है ऑटोमेटिक है ना 16 गियर है चलो ठीक है भाजी अपने उधर 13 होते ना तो मैनुअल 18 स्पीड होते हैं लेकिन वैसे 13 होते हैं हमारे है ना तो ये भाजी यहाँ पे पार्किंग में घुसते मेरी आदत है ट्रकों की पार्किंग में घुसने की पुरानी आदत है ट्रक जब तक शाम तक एक दो बंदों से बात नहीं ना कर लेता दिन बेकार हो जाता है अपना इसलिए मैंने ट्रकों वाले बंदे साथ में बिठाए हुए देखो जब भी दिल करता है इससे बातें कर लेते हैं वॉलीबॉल फुटबॉल क्या है भाई अच्छा सारे बंदों के लाभ ला के वो मैं टेंशन ले गया मैं क्या एक ही बंदे के 15 एक आदमी थोड़ा काम करता है कितना यहां पे यार एक साथ में रेस्टोरेंट भी है वैसे हैं होते हैं यहां पे 20-22 बच्चे हैं ना ज्यादा शादियां होती हैं जिसकी ज्यादा बच्चे होते हैं भाई भाई एक बड़ी मजे की बात बताते हैं ये हमारा मजा कान खुजा रहा था टिकट रोके नहीं थी नहीं रोके नहीं थी सीधी लाइसेंस के ऊपर आई नहीं नंबर प्लेट पे ट्रक के नंबर प्लेट के ऊपर सीधी टिकट आ गई कि बंदे ने फोन पकड़ा हुआ था तो हम कोर्ट में जाके डिफेंड कर सकते हैं उसको नहीं कुछ नहीं कर सकते जो आ गया बस इतनी टिकट मिल गई जितना मुखालफा हो गया भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा कनाडा में भाई हम लोग जाके वहां पे अपनी बात रख सकते हैं बाद में डिसीजन आ जाता है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे फाइन बड़े होते हैं पॉइंट कम काटे जाते हैं हमारे वहाँ पे फाइन कम होते हैं पॉइंट ज्यादा होते हैं ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਅਗਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈ ਅੰਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ यहाँ पे भाई लड्डू हुई पड़ी है गुड़ वाली चाय बनाई है भाई ने ये हमारी कंपनी की आधी ब्रांच है यहाँ पे नई खुली है अभी अल्फाया में बाकी ब्रांच जो हमारे वाली ना मेरे वाली वो विनीपेग कहते हैं यार मुसाबा में नहीं भाई बस उनको कल सुबह छुट्टी होती है ये मिट्टी वाले बंदे सारे लो बेड वाले जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में दिखाया ना ट्रक वॉल्वो का ये भाई सब वो है मिट्टी वाले लो बेड चलाते हैं और जो मैं चलाता था मेरी कंपनी वाले जो मेरे पार्टनर है वो मुसाबा में तो कल सुबह उनके पास जाएंगे भाई फिलहाल गुड़ वाली चाय मजा आ रहा रात के 8 बजे भाई सारे भाई मुसाफा में 2 घंटे पहले एक मैसेज किया था और ये थोड़े से भाई हमको मिलने के लिए आए बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई इनसे मिलके सबसे बातें कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से अभी कुछ बंदे हमको ढूंढ रहे हैं मालूम नहीं जब जाएंगे तब आएंगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते लेकिन अभी अपना फर्ज पूरा करके जा रहे हैं भाई कनाडा ना कनाडा कैसा लग रहा हूँ मैं उसके ऊपर होटल है नहीं ऊपर वाली जो लाइट है ना वहाँ पे होटल है लेकिन अभी टाइम देखो हमारा रोज का काम है 12:10 हो गए सारी दुनिया सोने जा रही है हम लोग घूमने के लिए आए हैं आज पूरे दिन में टैंकी खाली कर दी भाई लाइट आ गई अरे के कितना आएगा 600 ग्राम का 120-125 आएगा भाई ओ वाओ हनी ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ
जब भी घर में गुस्सा है सबसे पहले नेट मांगते नेट मालूम नहीं, घर वाले सब सोए हुए हैं, कनाडा वाले सब अपने काम पे गए हुए हैं, क्या करना नेट उसको पूछो। वाईफाई है हमारे पास, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये जो बाजी आ रही है ना, ये हमारा तीसरा बंदा जो फ्रेश हो रहा है मुंह मां से, लाइक करके जाना। अभी अब तभी मैं रात गुजारेंगे बिल्कुल डॉट डॉट के बीच में। नए बंदे जाने के मेरा सब्सक्राइब करो, मिलते रहेंगे ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज में और आपको करते रहेंगे तंग परेशान। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखो, रब रखा। आनी भी बोल दिया, रब रखा। लंबा देते हैं भाई को भी, चार कोल मुर्गी निकलाई, देखो भाई चार कोल मुर्गी और ये हनी बैठा हुआ है देखो। और इससे मिलो ये भाई साहब हमारे परना बांध के बैठे हुए हैं, मिस्टर संधु साहब, संधु साहब। रात के 2 बजे चार कोल मुर्गी। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.